जिन गुरु से, जिन गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से तुम्हें कुछ भी प्राप्त हुआ है और तुम उनका अगर उल्लेख नहीं करते, दबा देते हो बात को, तो ये प्राज्ञ अपराध है। कहते ये अपराध कभी वैष्णवता और भक्ति को सिद्ध नहीं होने देती। अब याद आई तो बोल दिया, आप लोगों से ऐसा होता हो तो ऐसा मत करना जीवन में, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अज्ञानता के कारण हमारे अनंत प्रयत्न के बाद भी हम भी घनचक्कर में पड़े रहते हैं कि मिल क्यों नहीं रहा है, कहां चूक रहे हैं, क्या मिसिंग है। देखो हमारे यहां अजामिल हैं, उन्होंने तो भगवान को बुलाया भी नहीं था, अपने बेटे को बुलाया था, ओ नारायण। श्रीमद रूप गोस्वामी इसको नामाभास कहते हैं, नामापराध, नामाभास एंड नाम संकीर्तन, तीन चीजें। ये नाम संकीर्तन नहीं था उनका, विष्णु को नहीं बुलाया, नारायण को नहीं बुलाया, उनके दिमागी मानचित्र में उनका पुत्र था और नाम भी उसका नारायण था। श्रीमद् भागवत यह बताती है कि अगर नामाभास के कारण भी कोई भगवान नाम ले ले, क्योंकि आज पहले अजामिल के बारे में ही शायद मुझे बोलना है, कल तो हमने सब बना दिया हलवा एकदम, वो इतनी इतनी जल्दी लंघन किया कि हनुमान जी क्या लांगे होंगे महाराज, जैसे कल लंघन हुआ है। अब हम पीछे, हमारा चित्त जा रहा है घूम घूम के, इतने प्रसंग हैं, इतने प्रसंग हैं, पर हम सोच रहे हैं पीछे गए तो आज गड़बड़ हो जाए, और नहीं तो सती प्रसंग, देवहूति का इतना ही हुआ, कपिल देवहूति का इतना ही हुआ, आज पुरंजनोपाख्यान है जिस पर मैंने घंटों बोले, पर आज मैं उसको गोल कर दूंगा पूरे। ज्यादा कड़वा बात नहीं करना है, और ज्यादा क्या बोलते जो बाउंसर निकल जाए ऊपर से, हाँ। पर आप लोग भी इतना याद रखना कि लडुआ मैं खिलाऊंगा पर गोली उगल मत देना, उसके भीतर जो कैप्सूल है उसको उगल मत देना। दृष्टांत सिर्फ इसलिए हैं कि तुम्हारी समझ में आ जाए, नहीं तो दृष्टांतों से शास्त्र का कोई लेना देना नहीं।